बघण्यासाठी महाराष्ट्र क्राइम स्पॉटला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा. विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशन लगत असलेल्या व्यापारी मुकेश वाधवा यांना जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न, सर्व प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद. विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशन लगत असलेले आशा साबण कंपाऊंडचे जागा मालक मुकेश वाधवा यांनी आपली जागा ही गुप्ता यांना भाडे तत्वावर दिली आहे. भाडे वेळेत न दिल्याने तसेच गाडी पार्किंग बाबत मुकेश वाधवा यांनी संजय गुप्ता यांना विचारणा करत असताना विचारणा केली याचा राग मनात धरून संजय कन्हालाल गुप्ता यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसह वाधवा यांना 30 जणांचा जमाव करून बेदम मारहाण केली. या घटनेत मुकेश वाधवा यांच्या डोक्याला जबर दुखापत झाली असून सदर परिसरात दिसल्यास तुला व तुझ्या परिवारात संपून टाकू अशी धमकी गुप्ता व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे. याबाबत विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय गायकवाड यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की दोघांविरोधात गुन्हे दाखल केले असून पुढील तपास करत आहोत. तो घर तक मैं पहुंचा तो मैं कल दिया था अपना ऑफिस में गया, जाने को गया तो ये वो गेट पे खड़ा था पहले संजय, तो मेरे को बोलता है तू इधर क्या आया, अभी तुम्हारे को मैं छोड़ेगा नहीं, गाली गलौज किया. बोला तू जाके दिखा, तो मैं बोला ठीक है. मैं तो अपना प्रॉपर्टी में अंदर गया, तो मैं उधर गया वो ऑफिस में अपने, तो जैसा मैं ऑफिस में गया तो उसका आदमी लोग आके मेरे आंख के ऊपर चलाया और बोला कि तुम इधर कैसा आया, इधर आने का नहीं, और मारा मारी चालू कर दी. कम से कम 30-35 लोग थे, सीधा मारना चालू कर दिया. मैं बोला कि ये अपना आपने वॉचमैन को क्यों मेरा गेट से बोलते हो हट जाओ ऐसा. अच्छा. तो बस इतनी बात में बोला क्यों हमारा है, हम नहीं देगा. सीसीटीवी है सब, फुटेज में पुलिस में दिया है. पुलिस कल आई. अच्छा. कल आके स्टेटमेंट लेके गई मेरे. अभी मैंने आपको बताया कि मेरे को इंसाफ चाहिए कि पुलिस इतना सामने है, पुलिस इतना सब सामने है और उसके बावजूद भी वो अभी तक जबरन करके मेरा जगह हड़प करने के जबरन कब्जा कर रहा है और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है. कैसा लग कानून है ये? और हम लोग ऐसा सिटीजन, हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, पुलिस को सहयोग करते हैं, गवर्नमेंट को सहयोग करते हैं. हमारा उधर प्रॉपर्टी आज मेरा तीसरा पीढ़ी है, 1970 से मेरा बिजनेस है, ऊपर मेरा फैक्ट्री है और ये लोग तो कल मेरे को जो हिसाब से मारने का किया है तो मार डालते. कल पूरा उनका हिस्सा था, इतना आदमी लोग कहाँ से अंदर घुस के आया और मेरे को मारा मेरा ही जगह पे, पूरा सीसीटीवी फुटेज है. तो ये ऐसा काम ऐसा होगा तो फिर आदमी क्या तो खत्म कर देता था कल मेरे को. ये तो भगवान के आशीर्वाद से हम थोड़ा बच के आ गया गणपति बापा का. मेरे कंपाउंड से निकलते जब तक पुलिस चौकी मेरे बाजू में, हमको फोन किया वो लोग फिर भी नहीं पहुंचा. मैं कंपाउंड से जब बाहर भाग भाग के मैं पुलिस चौकी तक जाने, मेरे को उधर तक ये लोग मार मार के, जैसा मैं नहीं पहुंचू मारते मारते ऊपर तक लेके, पुलिस फिर भी नहीं पहुंची. प्रतिनिधि कृष्णा महाले, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज, विठ्ठलवाडी. तुर्तास वेळ झाली आहे इथेच थांबायची. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रासह. धन्यवाद.